डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पांच सब्जेक्ट्स, पांच टॉपिक्स कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सूचना ये है कि आपके एग्ज़ाम के फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड हो गया है, बढ़ गया है। अब आप 27 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं और उसी के करस्पॉन्डिंग चलान के लिए भी तारीखों को बढ़ा दिया गया है। तो ये उन लोगों के लिए न्यूज़ है जो फॉर्म नहीं भर सके या जिनके फॉर्म भरने में कुछ गलतियाँ रह गई थी और परेशान हो रहे थे लोग। मैसेज मेरे पास भी आ रहा था कि सर्वर डाउन है, फॉर्म नहीं फिलअप हो पा रहा है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि डेट बढ़ गया है फॉर्म भरने का। अब आप इत्मीनान से, अधिकतर लोगों ने फॉर्म भर लिया है, लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, कुछ कमियां रह गई हैं, उसे आप कंप्लीट कर लें। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग पाँच टॉपिक जो कर रहे हैं वो हम लोगों ने पहले ही ले रखा था, उसे हम लोग करेंगे, लेकिन पाँच नए टॉपिक्स जो आ चुके हैं उन्हें आप नोट डाउन कर लें। ये पाँच बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बड़े भी टॉपिक हैं। महात्मा गांधी हम लोग करेंगे, चूँकि हम लोगों ने 1916 तक होम रूल लीग आंदोलन को आज करेंगे, तो अब महात्मा गांधी का फेज़ आएगा, तो एक पूरा टॉपिक महात्मा गांधी के की पर्सनालिटी पर होना चाहिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ, वो किस तरह से साउथ अफ्रीका पहुँचे, लौट कर भारत आए। तो इस पूरे फेज़ को महात्मा गांधी के टॉपिक के रूप में हम लोग करेंगे। मिट्टी करेंगे ज्योग्राफी में, सॉइल ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के हिसाब से मिट्टियाँ 8 प्रकार की हैं, तो सभी प्रकार मिट्टियों के हम लोग करेंगे और देखेंगे कौन सी मिट्टी में कौन से तत्व हैं नहीं हैं। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट हम लोग करेंगे पॉलिटी में। ये फंडामेंटल राइट के बाद, मूल अधिकार के बाद नेक्स्ट टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व, यानी भाग चार वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोग करेंगे। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमी में प्लानिंग करेंगे हम लोग, पंचवर्षीय योजनाएं जितनी भी चली और किस तरह से जो हमारा योजना आयोग है फॉर्म किया और पंचवर्षीय योजनाएं बनी, वो हम लोग आर्थिक नियोजन टॉपिक में करेंगे। और परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे हम लोग, ब्लड किस तरह से शरीर में पहुँचता है और उसके क्या क्या कार्य हैं, तो ये परिसंचरण तंत्र में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे 24/8/18 को। होपफुली अगर बाधाएं नहीं आती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है, एक्सट्रीमली सॉरी इस बार के टॉपिक में डिले हुआ, हालांकि हम नहीं चाह रहे थे फिर भी डिले हुआ। 24 को हम लोग होपफुली ये टॉपिक्स करेंगे, बड़े टॉपिक्स हैं, बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इस बीच जो हम आपको स्पेशल टास्क दे रहे हैं, जिस पर हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करते, पिछली बार भी 5 स्पेशल टास्क दिए गए थे, उम्मीद है कि आपने किया होगा, उस पर हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करते, केवल आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आप इस तरह से करें, ये स्पेशल टास्क में है, इसे आपको करना है, इसे आज के बाद हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, ये आप करें स्वयं। आज हम लोग जनजाति, नेक्स्ट जो आपका 5 टॉपिक हम दे रहे हैं, जनजाति आप कर लें, यानी ट्राइब्स, आदिवासी, ये कौन कौन से, किस कौन से राज्य में कौन सी आदिवासी है, यही आपको करना है। संथाल, मुंडा, होज, ये सारे, सहरिया, गरसिया, ये सब जो है जनजातियाँ, किन किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मुख्य जनजातियाँ, वो आप करेंगे। मिश्र धातु, एलॉय, क्यों, कौन से धातुओं को मिलाने से कौन सा एलॉय मिश्र धातु बन जाता है, ये आप करेंगे। स्टेनलेस स्टील है, कांसा है, तो ये सब ब्रोंज, ये सब आप मिश्र धातु में इम्पॉर्टेंट जो है एग्ज़ाम्स में आते हैं, कुछ चुने हुए 10-15 कर लें आप बस। मिश्र धातु केमिस्ट्री का है ये टॉपिक। विधानसभा, पॉलिटी में आपको स्टेट लेजिस्लेचर, बिहार विधानसभा स्पेशली, ऐसे तो ये टॉपिक विधानसभा है, आप इसे बिहार विधानसभा के संदर्भ में कर लें, कब इस्टेब्लिश हुआ, कितने सदस्यों की का, किस तरह से इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं, ये सब। और गुलाम वंश हिस्ट्री में आप कर लें, गुलाम वंश यानी भारत में जो मुस्लिम शासन स्थापित हुआ दिल्ली सल्तनत से, तो गुलाम वंश में 3 शासक थे, वो ऐबक, बलबन और इल्तुतमिश, ये तीनों आप गुलाम वंश में आप करेंगे। उसके बाद जल मार्ग, वाटरवेज, ये आप करेंगे। इकोनॉमी का भी टॉपिक है, ज्योग्राफी का भी कंबाइंड टॉपिक हो जाता है, तो जिस तरह से नेशनल हाईवेज हैं उसी तरह से भारत में प्रमुख वाटरवेज जो हैं वो आप करेंगे। ये आपको 5 इम्पॉर्टेंट स्पेशल टास्क आपको दिए जा रहे हैं, ये आप कर लेंगे, इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको मैंने गाइडलाइन सिर्फ दिया है कि आप क्या करें क्या ना करें, ये जो कशमकश है नए लोगों को,
वो आप इस तरह से कर लें। और उसके बाद हम लोग ये टॉपिक आज कर रहे हैं, जो 5 टॉपिक्स हैं वो आपने उम्मीद है कि किया होगा, होपफुली ईमानदारी से आपको करना चाहिए। अगर आपको बहुत बिजी शेड्यूल है तो भी आप समय निकालें, क्योंकि अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी आपको। हम इस पे तो क्लासेस तो लेते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको इसे पढ़ना है, चूँकि अधिकतर लोग जो नए हैं खासकर, या बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि किस तरह से स्टेप वाइज हम आगे बढ़ें, तो इसे हम लोग पूरा टॉपिक नहीं करते, क्लास नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल इसे एक डायरेक्शन के रूप में कर रहे हैं कि कौन कौन से मुख्य पॉइंट हैं इसके। तो आज ये 5 टॉपिक हैं जो पिछली बार हम लोगों ने लिया था, वो हम लोग करेंगे। पहला टॉपिक है होम रूल। हिस्ट्री में हम लोगों ने होम रूल लिया था, क्या आपने पढ़ा होम रूल में? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, क्या आपने पढ़ा, क्या क्या इसमें समझा? एक इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन आपसे, सबसे ज़्यादा शाखाएँ होम रूल की कहाँ थी, एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा, एनी बेसेंट के होम रूल के सचिव का नाम क्या था, सेक्रेटरी कौन थे इसके? तिलक के होम रूल के अध्यक्ष कौन थे? ये आप अगर आपने पढ़ा है तो आपको बताना चाहिए। दूसरा, हेडक्वार्टर जो एनी बेसेंट का होम रूल था उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तिलक के होम रूल की स्थापना कहाँ हुई थी? और होम रूल का जो आंदोलन चला उसमें तिलक ने कौन से समाचार पत्रों को अपना मुख्य समाचार पत्र बनाया, माउथपीस था जिसे हम कहेंगे मुख्य पत्र। और उधर एनी बेसेंट के होम रूल का मुख्य पत्र कौन सा था? और एक नारा तिलक ने दिया था यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट इस आंदोलन के दौरान, वो नारा क्या था? तिलक ने बहुत बार एग्जाम में आता है होम रूल लीग के आंदोलन के दौरान, बाल गंगाधर तिलक का बड़ा इम्पॉर्टेंट स्लोगन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, वो नारा क्या था, क्या आपने इस तरह से पढ़ा? दूसरी बात, इसी दौरान एक ब्रिटिश पत्रकार ने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा, और इसके लिए तिलक लंदन तक गए महाभियोग चलाने के लिए, इम्पीचमेंट के लिए, मानहानि दायर करने के लिए लंदन चले गए तिलक। ये कौन थे तिलक को जिसने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी भारतीय अशांति का जनक कहा था? आपको ये सब पढ़ना था, ये सब आपने पढ़ा, उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। कुछ लोगों को शायद कंफ्यूजन हुआ होगा, नहीं पढ़ पाए होंगे। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई, क्यों हुई? क्योंकि इस समय 1910 से 20 के बीच का जो काल था ये बड़ा वैक्यूम का समय था। 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हुआ, गर्म दल नरम दल सब बिछड़ गए, बंट गए, आंदोलन समाप्त हो गया। 1910 से 20 में वैक्यूम है, इस वैक्यूम को भरने के लिए एनी बेसेंट ने पहल किया। चूँकि तिलक जेल में थे, वो लंबे समय तक जेल में रहे, 1914 में जेल से निकले थे, एनी बेसेंट ने उनसे कंसल्ट किया और कहा, वो भारतीयों से हमदर्दी रखती थी, उनके समर्थक थी, भारत समर्थक थी, एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी, उन्होंने तिलक से कहा कि इस समय एक आंदोलन चलना चाहिए ताकि अंग्रेज़ों पर, इस ब्रिटिश शासन पर एक दबाव बने, भारतीयों को अपना सेल्फ रूल होम रूल मिले। इसके लिए तिलक मान गए, लेकिन बात दोनों में यह थी कि दोनों के लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, तो दोनों ने अपना अपना आंदोलन तो चलाया, क्षेत्र को बांट लिया। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, अपने होम रूल की, और उनका जो क्षेत्र था, क्योंकि दोनों ने अपना अपना क्षेत्र बांट लिया, ये क्षेत्र आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आता है, कर्नाटक पूरा महाराष्ट्र बम्बई छोड़कर, तिलक का क्षेत्र था कर्नाटक महाराष्ट्र जिसमें बम्बई नहीं था, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश, उस वक्त मध्य प्रांत कहते थे यानी सेंट्रल प्रोविंस, और बरार, ये तिलक के क्षेत्र थे, बाकी सारे क्षेत्र एनी बेसेंट के थे, इंक्लूडिंग बम्बई, तत्कालीन बम्बई, ये एनी बेसेंट का क्षेत्र था, और ये कर्नाटक महाराष्ट्र मध्य प्रांत और बरार, बरार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच का एरिया था,
ये तिलक का क्षेत्र था, होम रूल लीग का क्षेत्र था। तो तिलक ने अपना चलाया, उन्होंने तिलक के होम रूल के अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव थे एनजी रंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग स्थापित किया उसका हेडक्वार्टर अडियार था मद्रास में, तत्कालीन मद्रास, अब तो चेन्नई हो गया है। तत्कालीन मद्रास में अडियार एक गांव था, वहां पर छोटा सा शहर आप कह सकते हैं सबर्ब, वहां पर उनका हेडक्वार्टर था। और इसीलिए कहा जाता है कि मद्रास में सबसे ज़्यादा, चूँकि एनी बेसेंट का होम रूल ज़्यादा प्रभावी था, तो सबसे ज़्यादा शाखाएं मद्रास में थी होम रूल लीग की, यानी एनी बेसेंट के क्षेत्र की। माफ़ करें, एनी बेसेंट ने बहुत बड़े क्षेत्र में भारत में इस आंदोलन को फैलाया, इस वैक्यूम को किया। इसमें कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स एनी बेसेंट के होम रूल के सदस्य थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और भी दूसरे लोग, ये सब एनी बेसेंट के होम रूल के सदस्य। जिन्ना, इस वक्त तक जिन्ना बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं थे, धर्म विशेष की बातें नहीं कर रहे थे, अखिल भारतीय सोच रखते थे, तो जिन्ना भी इसके सदस्य थे। किसके? एनी बेसेंट के होम रूल के। ये आंदोलन चला, उद्देश्य था सेल्फ रूल, अपना रूल, अपना शासन स्थापित करना। क्या? अंग्रेजों पर यह दबाव बनाना ना कि आप रहिए, हम आपको भगाना नहीं चाहते, लेकिन हमें अपना शासन दे दीजिए, यानी अंग्रेजी शासन के अधीन अपना स्वयं का शासन, सेल्फ रूल। तो ये था, चूंकि एनी बेसेंट ये नहीं चाहती थी कि अंग्रेज भाग जाएं, हट जाएं, लेकिन वो चाहती थी, भारत समक्ष थी, उन्होंने कहा कि इन भारतीयों को अपना शासन मिलना चाहिए। तो ये होम रूल, दरअसल आयरलैंड में जहाँ ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज़ थे आयरलैंड पर कब्जा किए हुए थे, तो आयरिश लोगों ने वहाँ सेल्फ रूल यानी होम रूल मूवमेंट चलाया था, और एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, तो उसी से प्रेरित होकर उन्होंने भारत में होम रूल लीग स्थापित किया और आंदोलन चलाया। याद रखें कि इस समय तिलक ने एक नारा दिया था, वो नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। ये इसी दौरान उन्होंने ये नारा दिया था। और इंग्लैंड के ब्रिटिश जो लेखक थे वो थे वैलेंटाइन शिरोल, जिन्होंने इंडिया अनरेस्ट नाम का बुक लिखा था, और उसी में उन्होंने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था, जिसका केस लड़ने के लिए तिलक लंदन तक गए। इस तरह से होम रूल लीग आंदोलन चला। ये भी याद रखें कि तिलक ने मराठा और केसरी समाचार पत्र के द्वारा इस आंदोलन के आदर्शों को और उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाया। मराठा इंग्लिश में निकलता था जबकि केसरी मराठी में। दूसरी ओर एनी बेसेंट ने कॉमन व्हील और न्यू इंडिया नाम के समाचार पत्र के द्वारा यानी अखबारों के द्वारा जनता तक अपनी भावनाओं को पहुंचाया। तो ये बड़े महत्वपूर्ण पक्ष थे होम रूल लीग आंदोलन के। इसका ही प्रभाव था कि 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा हुई, डिक्लेरेशन आया मॉन्टेग्यू का, और उसी आधार पर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म यानी भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। ये इस आंदोलन का ही प्रभाव था। बहुत सारी बातें हैं, इस आपको इसी तरह से पढ़ना था। अब आइए दूसरा था भारत की बहुउद्देश्य परियोजना यानी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी का ये टॉपिक बड़ा नहीं है, इसमें आपको केवल जो जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो किस नदी पर हैं, किन क्षेत्रों में हैं, और उनके उन पर कोई झील लेक बना हुआ है उसे आपको पढ़ना है। जैसे भारत का सबसे विशाल परियोजना कौन सी है, भारत की सबसे लंबी परियोजना कौन सी है, भारत की पहली मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है वो कौन है, दामोदर वैली परियोजना भारत की सबसे पहली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है 1948 में, जो दामोदर नदी पर स्थित है बंगाल में, कि ये एक बड़ी परियोजना है जिसमें ये दामोदर नदी पर, ये दामोदर वैली भारत की जो अमेरिका की टेनेसी वैली प्रोजेक्ट से प्रेरित है। अब याद रखें कि भारत में अधिकतर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो हैं वो अमेरिका के जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, खासकर टेनेसी वैली प्रोजेक्ट, उससे प्रेरित है। ये बहुउद्देश्य क्या, इसमें क्या बहुउद्देश्य है, क्या मल्टीपर्पज़ है? आमतौर पर हमारे यहाँ बांध यानी ये जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे उसका उद्देश्य था जो बाढ़ का पानी है, एक्स्ट्रा वाटर है जो बारिश के दिनों में आ जाता है, उसका रिजर्वॉय तैयार करना। बाद में इसके उद्देश्य बढ़ा दिए गए, जैसे इसमें जल विद्युत, जो इसमें बिजली पैदा करने का जो कंटेक्स्ट है वो जोड़ा गया, इरीगेशन, मछली पालन,
ये सब चीज़ें थी, बाढ़ नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल, तो ये सब इसका प्रोजेक्ट का भाग है। यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब है फ्लड कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, दूसरी तरफ मछली पालन यानी फिशरीज, सिंचाई, इरिगेशन, ये सब इस प्रोजेक्ट के भाग होते हैं। आम तौर पर ये इस प्रोजेक्ट में कई जगहों पे डैम बनाए जाते हैं, यानी बांध, एम्बैकमेंट, जिसमें पानियों को रोककर उसका हम प्रयोग करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण डैम हैं जैसे रिहंद जो प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कंबाइंड है रिहंद परियोजना, उसके पीछे जो पानी का रिजर्वायर है, जलाशय है, उसको हम कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत झील। झील कहते हैं पानियों को इकट्ठा हो जाना बंद क्षेत्र में। तो इस रिजर्वायर से जो झील बना है रिहंद परियोजना में, उस झील का नाम है गोविंद वल्लभ पंत झील लेक। दूसरी ओर जो भारत की सबसे विशाल परियोजना है, लार्जेस्ट, वो है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से के एरिया में भाखड़ा नांगल परियोजना, इसके पीछे जो झील है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। भारत की सबसे लंबी परियोजना है हीराकुंड महानदी पर, भारत की सबसे ऊंची परियोजना। दक्षिण की परियोजनाएं हैं शिव समुद्रम किस नदी पर है, कृष्णा नदी। तो ये सब आपको कुछ मुख्य परियोजनाएं हैं, किस नदी पर हैं, कहाँ हैं, उनके पीछे कोई झील है तो उसे आपको पढ़ना समझना है। आप इसी तरह से करें, नदियां जहां पर हैं वहीं उसके बगल में ही ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएगा। बहुत सारे हैं, सबको नहीं पढ़ना, कुछ इंपॉर्टेंट को आपको पढ़ना चाहिए। इस नागरिकता यानी इंडियन पॉलिटी के इस टॉपिक को जो हम लोगों ने किया था, इंडियन पॉलिटी का, वो आपने कैसे किया, सिटीजनशिप को आपने कैसे किया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। हम सभी जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी में 22 पार्ट हैं, यानी 22 भाग हैं। भाग दो यानी पार्ट टू, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक एक्सप्लेन्ड है, इसमें सिटीजनशिप से संबंधित अलग अलग मामले वर्णित हैं। जैसे आर्टिकल 6 कहता है, अनुच्छेद 6 के 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गए पाकिस्तान से, वो भारत के नागरिक होंगे। यानी पाकिस्तान से भारत आने वालों के संबंध में नागरिकता के बारे में वर्णन करता है अनुच्छेद 6, और उसमें कहा गया है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान से आ गए वो भारत के नागरिक होंगे, उन्हें नहीं सोचना है। इसी तरह से भारत से पाकिस्तान चले जाने वाले कौन लोग नागरिक नहीं होंगे, जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए तो भारत के नागरिक नहीं होंगे, ये आर्टिकल 7 में वर्णित है। तो इसी तरह से सिटीजनशिप के अलग अलग आस्पेक्ट्स आपको पढ़ने थे। ये याद रखें कि 1955 में 1955 में सिटीजन एक्ट आया, यानी नागरिकता अधिनियम 1955 में, जिसमें ये कहा गया कि 5 ऐसे तरीके हैं जिनसे भारत की नागरिकता ली जा सकती है। जो भारत के नागरिक नहीं है वो भारत की नागरिकता कैसे लेंगे, तो उसमें 5 तरीके बताए गए हैं। ये सिटीजन्स एक्ट आया 1955, उसमें बताया गया है, जैसे वंश से यानी हेरिडिटरी, जन्म से यानी बाई बर्थ तो भारत का नागरिक होगा, दूसरी तरफ रजिस्ट्री से हो सकता है भारत का नागरिक बन सकता है रजिस्ट्रेशन कराकर, तीसरा देसीकरण से यानी भारत में रहकर सालों से जो रह रहा हो, जॉब कर रहा हो या यहाँ में रच बस गया हो, विदेशी है तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल सकती है कुछ शर्तों के आधार पे, और कोई नया क्षेत्र भारत को मिल गया हो तो वहाँ के नागरिक भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये 1955 के सिटीजन्स एक्ट में इसका एक्सप्लेन्ड है। आप जानते हैं कि 1961 तक गोवा भारत का अंग नहीं था, पुर्तगालियों ने 1961 में अपने उपनिवेश छोड़े, पुर्तगालियों के जो उपनिवेश थे वो 1961 तक उनके प्रभाव में थे। भारत ने जब दबाव बढ़ाया तब गोवा दमन और दीव भारत को मिला, तो ये क्षेत्र जब भारत को मिला तो ये भारत के नागरिक हुए। ये सब बातें 1955 के एक्ट में लिखी हुई हैं। तो इसे आपको इस तरह से समझना था, याद रखें कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, जबकि अमेरिका या स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब वहाँ राज्यों की नागरिकता अलग लोग लेते हैं, जैसे बिहार, तो यहाँ का नागरिकता अलग लेंगे और भारत की नागरिकता अलग लेंगे।
इसी तरह से हमारे यहाँ तो एकल ऐसा नहीं है, लेकिन अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में जिस राज्य के जो निवासी हैं वहाँ के वो अलग नागरिक हैं, प्लस अपने राष्ट्र के वो नागरिक हैं, जिसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। तो इन देशों में, भारत में एकल नागरिकता है। हम बात करें इस गरीबी की, इसे आपने कैसे किया इकोनॉमी में, गरीबी पॉवर्टी, इसे आपको इस तरह से करना चाहिए था कि गरीबी, अगर कहा जाए कि किसे हम गरीब कहेंगे, तो एक बड़ा जनरल परसेप्शन बनता है, जिसके पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, घर नहीं है। लेकिन गरीबी दरअसल दो रूपों में दिखाई देती है, एक सापेक्ष गरीबी यानी रिलेटिव पॉवर्टी, दूसरा निरपेक्ष गरीबी यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव गरीबी वो है जहाँ पर एक अच्छा खाता पीता व्यक्ति गाड़ियाँ रखता है, लेकिन बड़े बड़े रईसों के बीच में रहता है, जहाँ लोग 10-10 गाड़ियाँ रखते हैं, तो वो कहेगा कि हम तो गरीब हैं भाई। ये रिलेटिव पॉवर्टी है। इसको मापने का दो इम्पॉर्टेंट तरीका निकाला गया है, गिनी गुणांक यानी गिनी कॉफिशियंट और लॉरेंस कर्व यानी लॉरेंस वक्र। इसमें डिटेल्स नहीं जाएंगे, ये बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो ये आप इतना जाने कि रिलेटिव पॉवर्टी नापने का दो तरीका है, दो बड़े इकोनॉमिस्ट ने दो बड़े अच्छे तरीके बताए कि गिनी कॉफिशियंट यानी कॉफिशियंट निकाल कर हम गरीबी निकालते हैं, और दूसरा लॉरेंस कर्व, गरीबी का और आय का एक कर्व बनाकर, लॉरेंस साहब ने एक कर्व बनाकर बताया कि किस तरह से हम रिलेटिव पॉवर्टी निकाल सकते हैं। तो गिनी गुणांक और लॉरेंस वक्र से रिलेटिव पॉवर्टी निकालते हैं। दूसरी तरफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यही मेन पॉवर्टी है हमारे यहाँ जो मेन दिखती है, एब्सोल्यूट, इसे हेड काउंट विधि से हम निकाल लेते हैं। सर गिनकर, भीड़ में हम हेड काउंट कर, सर गिनकर कह देंगे कि उसकी हालत बता रही है कि वो गरीब है, कपड़े फटे हुए हैं, चेहरे पर उदासी है, खाना नहीं है, भूख है, तो हेड काउंट करके हम भीड़ में बता देंगे कि अरे वो तीन आदमी गरीब दिख रहा है। ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, इसे निकालने का तरीका हेड काउंट विधि। तो हमारे यहाँ इसी तरह की गरीबी दिखाई देती है। इसको निकालने के लिए दरअसल अलग अलग टाइम पे बहुत सारी कमेटियाँ बनी कि भारत में गरीबी निकाला कैसे पता किया जाए कि कितने लोग वाकई गरीब हैं। तो इसके लिए लकड़ावाला कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, ये सब कमेटियाँ गठित हुई और इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिए उस आधार पर भारत में गरीबी अलग अलग ढंग से निकाला गया, जिसमें एक बड़ा पॉपुलर था योजना आयोग के द्वारा ये डेटा आया कि गांव में 2400 कैलोरी के बराबर अगर भोजन किसी एक व्यक्ति को एक दिन में नहीं मिलता है, यानी वो ऐसा खाना खाता है कि उससे 2400 कैलोरी ऊर्जा उसको नहीं मिलती है, तो वो गरीब है। प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में, चूँकि वहाँ लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा कैलोरी चाहिए, और शहरों में 2100 कैलोरी का खाना अगर वो नहीं खा रहे हैं, 2100 कैलोरी की ऊर्जा देने वाला खाना, तो वो गरीब है। एक ये तरीका निकाला गया था। अब रुपये पर भी निकाला गया है, और भी दूसरे तरीके से कई सारे डेटा दिखाई देते हैं। आपको इस तरह से इन कमेटियों के रिकमेंडेशंस पढ़ने हैं और इस तरह से गरीबी के आकलन को समझने का प्रयास करना है कि कितना निकाला गया है। देखिए, ये जो बुक है, दरअसल क्रॉन की जिस बुक के बारे में हम कहते हैं, ये इंग्लिश वर्शन है, इसी का हिंदी वर्जन क्रॉन, ये आप ले सकते हैं, ये ठीक ठाक दिया हुआ है। और इकोनॉमी में दृष्टि का, देखिए ये दृष्टि का हर सब्जेक्ट का आता है, ये भी ठीक ठाक है, क्विक बुक्स करके ये दृष्टि का आता है, इसके भी कंटेंट आप रख सकते हैं। इकोनॉमी बहुत अच्छा दिया हुआ है, जो हमने बताया है आज के भी टॉपिक्स आपको, ये सब आर्थिक नियोजन जो भी है, ये आप दृष्टि का ले सकते हैं। हालांकि सभी छात्रों के पास पता नहीं, ये अगर दूर दराज में है तो फिर दिक्कतें आती हैं, क्योंकि शहरों में इस तरह के बुक्स ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन इस तरह के बुक्स को आपको रखना चाहिए। दृष्टि का हर सब्जेक्ट का सेपरेट निकाला गया है, ये भी अच्छा है। साथ ही क्राउन आप रखें, मिनिमम में ठीक ठाक है, हिंदी वर्जन 140 वगैरह के आसपास मिल जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो पाँचवा पोर्शन है, तंत्रिका तंत्र, अगर आप हमसे कहेंगे तो हम इसे तीन पार्ट में बांट देंगे, न्यूरॉन, मस्तिष्क यानी ब्रेन, और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। ये तीनों मिलकर शरीर के नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र का। न्यूरॉन क्या है? ये हमारे तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। जिस तरह से घर ईंटों से बना होता है, एक ईंट पूरे घर का निर्माण करता है जुड़कर, उसी तरह से नर्वस सिस्टम को का जो बेसिक यूनिट है वो है नर्व सेल, जिसके समूह को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। इंटरेस्टिंगली,
जो नर्व सेल है, पूरा शरीर कोशिकाओं से बना है, अलग अलग अंग अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना है, यानी शरीर के हर अंग का जो बेसिक यूनिट है वो कोशिका है, सेल है। नर्व सेल हमारे पूरे शरीर का सबसे लंबी कोशिका है, लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में शरीर से सूचनाएं लाता है, मस्तिष्क में उसे प्रोसेस, मस्तिष्क उसे प्रोसेस करता है और फिर शरीर में पहुंचा देता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, विद्युत आवेग है, ये दरअसल न्यूरॉन्स हैं। ये जाल है, एक नेटवर्क है, नर्वस सेल्स का जो नेटवर्क है उसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ये क्या करता है, दिमाग तक सूचनाएं लाता है और दिमाग से सूचनाएं शरीर में पहुंचाता है, न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। दूसरा है हमारा मस्तिष्क, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो रफली हम इसे भी तीन पार्ट में बांट देंगे। कौन कौन से पार्ट्स, अग्र मस्तिष्क यानी अगला भाग यानी फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन, पिछला भाग दिमाग का। अग्र मस्तिष्क को भी हम तीन पार्ट में फिर बांट देंगे, सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। समझ लीजिए इसे, पूरे नर्वस सिस्टम को तीन पार्ट में हमने बांटा, न्यूरॉन्स, मस्तिष्क यानी ब्रेन और हमारा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। फिर न्यूरॉन्स जो कि नर्वस सिस्टम की मूलभूत इकाई है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, जो कोशिकाएं हैं रन करती हैं वो न्यूरॉन्स हैं। दूसरा मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग, इसे भी हम तीन पार्ट में बांट देंगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम तीन पार्ट में फिर बांटेंगे, सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। सेरेब्रम पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग। ये काम क्या करता है, आप जिस दिमाग की बात करते हैं कि तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है, ये हमारा सेरेब्रम करता है। सोचने, समझने, एनालिसिस करने, चतुराई, कनिंगनेस, चालाकी, ये सब आपका सूंघने, ये सब सोचने, सूंघने, ये सब आपका सेरेब्रम करता है, जिसे हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मस्तिष्क का अगला भाग तीन पार्ट में बटा हुआ है, सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। सेरेब्रम सोचने समझने की शक्ति का स्थान है, यानी यहाँ से ही दरअसल जो सेंसरी जो सेल्स हैं वो मूव करते हैं, यहाँ से ही कंट्रोल होते हैं। कहाँ से, सेरेब्रम से, मस्तिष्क के अगले भाग से। तो ये आप जान लें, सोचने, समझने, एनालिसिस करने, चतुराई करने का, बुद्धि लगाना, जो आप दिमाग लगाते हैं, हम कहते हैं कि दिमाग लगा रहा है, तो ये दरअसल सेरेब्रम का पार्ट करता है, सोचने, समझने, सूंघने, ये सब का की क्रिया। दूसरा है थैलमस, थैलमस ठंडा गर्म इसका एहसास कराता है, दर्द तकलीफ जो आपके शरीर में आती है, ये हमारा मस्तिष्क का वो पार्ट करता है। आपके शरीर में दर्द है तो जो नर्व सेल्स हैं वो यहाँ पर आपके थैलमस तक पहुँचेगा, अग्र भाग मस्तिष्क के, और वहाँ से कंट्रोल होगा कि दर्द किस तरह से हो रहा है। तो ये आपका थैलमस पार्ट करता है मस्तिष्क का। हाइपोथैलमस क्या करता है, ये आपको जो भूख लगती है, जो आपको प्यास लगती है, आप गर्मी जो महसूस करते हैं, ताप, टेम्परेचर, ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलमस। याद रखें, भूख, प्यास और टेम्परेचर का कंट्रोल हमारा हाइपोथैलमस भाग करता है, जो अग्र मस्तिष्क का भाग है। और लास्ट में हमारा बैक जो ब्रेन है, पिछला भाग है हमारे मस्तिष्क का, इसमें दो पार्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। थोड़ा सा टफ नाम है, ध्यान में रखेंगे तो याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में बड़े क्वेश्चन इससे बनते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम, अग्र मस्तिष्क में आपने सेरेब्रम पढ़ा यानी प्रमस्तिष्क, यहाँ पर पश्चिम मस्तिष्क में, पीछे दिमाग में, सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग है। ये क्या करता है, सेरेबेलम बहुत इंपॉर्टेंट, आपके शरीर का संतुलन बनाता है, जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं हिंदी में, शरीर का संतुलन, बैलेंस तैयार करता है, उसे बनाता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट जो है, जो सबसे पीछे का भाग है मस्तिष्क का, वो ब्लड प्रेशर,
हार्ट बीट या आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसका नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ आपको पढ़ना था, आप ध्यान में रखें, इस तरह से आपको पढ़ना है। ये 5 टॉपिक्स हो गए। अगला टॉपिक्स आपका ये है, बड़ा टॉपिक है, हम लोग 24 तारीख को इसे करेंगे, आप इसे पढ़ें। नेक्स्ट हम लोग का एपिसोड आएगा टेस्ट सीरीज का, 30 क्वेश्चंस के टेस्ट आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगली बार। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स हो गए, आप इसे ध्यान से पढ़ें, इसी तरह से पढ़ें जो बुक हमने बताया उसमें है, और चाहे आपके पास जो भी बुक है आप पढ़ें, लेकिन पढ़ें। यहीं पर आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें, टेक केयर।